दोस्तों आज जो कंटेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट कंटेंट है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इंपोर्टेंट कंटेंट, वो मैं प्रूफ दिखाऊंगा, आज लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते चलूंगा जो आखिर में कौन सा कंटेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कंटेंट अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, जो कैसे उसको आप क्रिएट करेंगे, वो काफी ज्यादा यूनिक कंटेंट है। और आपको इतना जरूर पता होगा, जो यूट्यूब पे वही सफल होते हैं, एक अच्छे यूट्यूबर वही बनते हैं जो यूट्यूब पे कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट मतलब हुआ दोस्त, जो यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट अभी अपलोड किया जा रहा है ना, जितनी भी कैटेगरी के वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उससे कुछ अलग। अगर एग्जांपल के तौर पर समझिए, अगर यूट्यूब पे जितना वीडियो अपलोड किया जा रहा है उससे अगर आप कुछ अलग करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑडियंस देखेंगे। तो आज जो मैं कंटेंट क्रिएट करके आपको सिखाने वाला हूं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप अपने YouTube चैनल को आसानी से इस कंटेंट को अपलोड करने के बाद ग्रो कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 2024 में अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को आज कंप्लीट आप देख डालिए। तो चलिए मैं टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बढ़ते हैं वीडियो को आगे और मैं आपको दिखाता हूं जो कौन सा ऐसे वीडियो है जिस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इस साइड में हम आपको वीडियो लगा चुका हूं। अभी इस वीडियो में क्या किया जा रहा है, आप YouTube पर देखते होंगे कभी कभार, इस पे YouTube पे इस टाइप के कंटेंट बहुत कम ही लोग अपलोड करते हैं, ना कभार आप करते हैं, इंडिया में तो करते ही नहीं है। ये जो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये विदेशी चैनल है, विदेश में बहुत सारे कंटेंट इस टाइप के क्रिएट होते हैं लेकिन इंडिया में नहीं होते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस टाइप के कंटेंट अगर आप अपने इंडिया में अपने भाषा में बताएंगे, समझाएंगे, क्रिएट करेंगे तो कितना ज्यादा व्यू जाएगा सो बताइए, क्योंकि दूसरा कोई तो बनाते नहीं है, है ना। तो इस टाइप के कंटेंट में आज किस वीडियो में सिखाने वाला हूं जो कैसे आप क्रिएट करेंगे इस टाइप के कंटेंट। और दूसरी बात, इस कंटेंट में क्या क्या जा रहा है, बहुत ही पुराने कपड़े जो होते हैं दोस्त, जैसे पैर वगैरह पोंछने वाले जो आप लोग रखे रहते हैं घर में, है ना, तो वो सारे चीजें जो होते हैं ना उनको साफ करते हैं, तो ये सारी चीजें दिखाते हैं उसमें, जो पहले कैसे था और अब कैसे हुआ साफ करने के बाद, बस इतना ही काम करना, सिंपल सी बात है, है ना। और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिंपल से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कहां से ये कंटेंट मिलेगा वो भी मैं बताता हूं, जो कहां से आपको लेना है, लेके बस उसमें अपने एक्टिविटी ऐड करना है, मतलब यूट्यूब पे उस चैनल को मोनेटाइज 100% कर दिया जाता है। आपको बता दूं मैं, अगर कहीं से भी कंटेंट उठाते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अगर अपना आप एक्टिविटी ऐड करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे, कुछ काम उस पर करेंगे, मैं काम मतलब वर्क, मतलब कुछ वर्क उस पर कर डालेंगे, 100% आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना। भले कंटेंट आपका कहीं से भी उठाया गया है, उसे लेना देना कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो चलिए कंटेंट कहां से मिलेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर चलिए फटाफट क्या करेंगे, हम YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। चलिए YouTube एप्लीकेशन जो ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं एक चैनल में आपको सर्च करूंगा, यहां पे चैनल का नाम आप खुद देख लीजिए गौर से, यहां पे साइड में गौर से देखिएगा, फिर बोलिएगा बाद में जो हमें चैनल पता ही नहीं है जो कहां से कंटेंट लेना है, तो गौर से देख लीजिए चैनल, वहां पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जब आप सर्च कर लेंगे उसके बाद क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए बहुत ही जल्दी आपको शॉर्ट वीडियो प्लस लॉन्ग वीडियो दोनों दिख जाएगा, है ना। तो यहीं से आपको कंटेंट उठाना है, यहां पर आपको बहुत सारे इस टाइप का चैनल दिख जाएगा, तो कहीं से भी आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से भी आप उठा सकते हैं, यहां से कंटेंट आपको उठाना है। आप डाउनलोड कैसे करेंगे वो तो मैं यहां पर नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आपको पता है YouTube पे YouTube का वीडियो डाउनलोड कैसे करेंगे वो जो बताएंगे तो यार कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। आपको बता देंगे हम टेलीग्राम पे, आइए मैं टेलीग्राम पे डाल रखा हूं ऑलरेडी इस टाइप के वीडियो, वहां से आपके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम सारे पॉइंट का लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो वहां पर आइए, वहां से आप देख लीजिए। तो यहां पे आपको क्या करना है, कंटेंट ले लेना है, सारे कुछ ले लेना हो गया। अब रही बात एडिटिंग करने की, बात इस एडिटिंग करेंगे अपने एक्टिविटी कैसे यहां पे एड करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं जो कैसे इसे एडिट करेंगे, क्या कैसे करेंगे। यहां से दोस्तों हम चल रहे हैं कैन मास्टर एप्लीकेशन पे, आप जिस भी सॉफ्टवेयर से करना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, सभी जगह एक ही तरह का होता है, बस आपको कैसे करना है वो समझ लीजिए, ओके।
तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, कैनवास एप्लीकेशन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ से जस्ट आपको अपनी एप्लीकेशन पे आ जाना है, सॉफ्टवेयर पे जहाँ से आप वीडियो एडिट करते हैं। ओके, यहाँ पे आ चुके हैं और वीडियो जो डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट वाले रेस्ट्यू जो होते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो वीडियो अब जस्ट डाउनलोड किए हैं उस वीडियो को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जस्ट देख सकते हैं हम सेलेक्ट कर रखे हैं, है ना। यहाँ से हम बैक चलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो आ चुका है। अब इसे हमको शॉर्ट फॉन्ट में कन्वर्ट करना होगा। शॉर्ट फॉन्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम पहले इस वीडियो पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन एंड जूम यहाँ पर क्लिक करेंगे। कहाँ करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम जो है सो यहाँ पे देख सकते हैं इससे क्या करेंगे, जूम करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक काम करना होगा, क्या करना होगा, यहाँ से थोड़ा बैक चलना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेट का ऑप्शन एक दी जाएगा आपको, इस रोटेट पे क्लिक करना होगा। इसको पहले यार रोटेट करना होगा क्योंकि इसका साइज जो है ना जो उल्टा है। चलिए इसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रोटेट मतलब कर ली यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से बैक चलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं रोटेट करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करना होगा हमें, तो कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिन एंड जूम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से जूम कर लेंगे, है ना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको हम काट देंगे, यहाँ पे ओनली साफ जो हुआ है उसको हम देख आएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लिए। और यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले इक्वल टू का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक चलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा इसको वीडियो को हम इस प्रकार से करके देख लेते हैं जो ये जूम जो अभी हम जस्ट किए हैं वो कैसे हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा इस फिर से क्लिक करेंगे और थोड़ा इसको इधर कर लेंगे जिससे हमें ये थोड़ा बहुत कट रहा तो कटे नहीं। अब चलिए यहाँ पे काम हो गया है क्लियर। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इस वीडियो को सबसे पहले रेशियो जो होता है उसको कम करना होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो आपको बनाना है ना, तो शॉर्ट वीडियो में क्या होता है यहाँ पे एक मिनट से कम ही रहना चाहिए, तो ये शॉर्ट वीडियो में दिखने लाइक होगा, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इससे वीडियो पे क्लिक करना होगा। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करेंगे और थोड़ा बहुत क्या करेंगे, इसका स्पीड हम इस प्रकार से फास्ट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या करेंगे, इतना नहीं थोड़ा और कम करेंगे, इतना रखेंगे, ठीक ना, इतना हम फास्ट यहाँ पर हम रखेंगे जिससे क्या होगा, ये हमारे वीडियो जो है अच्छे से यहाँ पर दिखने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं इतना हो गया और इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर भी ये जो है सो अभी एक मिनट से ज़्यादा देखा है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर इधर आना है और यहाँ से पहले इसको क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कट कर लेना है, एक्स्ट्रा जो पॉइंट है राइट वाले साइड में इसको कट करना है। अब यहाँ पर करना क्या होगा, फिर से वीडियो पर क्लिक करना होगा और मिक्सर पर चलना होगा और यहाँ से पहले क्या करना है, इसका आवाज़ जो है उसको ऑफ करना होगा। यहाँ पर चलिए ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद अब करेंगे दोस्तों क्या, यहाँ से बीच बीच से कट कट के कोई पॉइंट जो है एक्स्ट्रा पॉइंट उसको हटाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसको हटाएंगे पहले। यहाँ पर ट्रिम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेफ्ट साइड वाले हटा देंगे। चलिए यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा वीडियो अभी भी बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से बीच ले लेंगे, फिर यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद जस्ट क्या करेंगे, इस पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये इस पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करें, लेफ्ट साइड वाला रिमूव कर देंगे। चलिए इधर का रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ आप देख सकते फिर भी एक मिनट से कुछ ज़्यादा हैं, क्या करेंगे और हम इसको कट करेंगे। यहाँ पाएंगे, यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिम पे फिर से लेफ्ट साइड वाले क्लिक करके यहाँ पे देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे 53 सेकंड के ओनली ये हो चुका है, मतलब क्या एक मिनट से ये कम हो चुका है। अब यहाँ पे इस वीडियो को आप रख सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें करेंगे क्या, फिर से इस वाले साइट में आपको क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक मैं गलती कर बैठा हूँ, यहाँ से बीच से कट कर दिया और लेकिन जो है आपको करना है कट नहीं, पहले जो वर्क अभी हम बता रहे उसको करना था, उसके बाद कट करना था। लेकिन चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देख सकते फिल्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फिल्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली फिल्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास जो भी फिल्टर हो आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये फिल्टर यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया हम, और क्या करेंगे यहाँ से बैक चलेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे कंट्रास्ट को थोड़ा क्या करेंगे इस प्रकार से बढ़ा लेंगे जिससे हमारे वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा हो जाए। और यहाँ पे सेचुरेशन के सेकंड में ऑप्शन दिख रहे हैं आप, इस सेचुरेशन को क्या करेंगे इसको भी बढ़ा लेंगे, है ना। इतना बढ़ाने के बाद यहाँ पर जस्ट देख सकते हैं इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है। बस सेम इसी प्रकार से इस साइड वाली इस पे भी करना है, आपको क्या करना है थोड़ा बहुत फिल्टर लगाना है और एडजस्टमेंट आपको करके अच्छे से सैचुरेशन वगैरह को कर लेना है। चलिए इसको मैं फटाफट कर देता हूँ। इतना वर्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
ये वर्क जो है हम कर लिए। ओके, अब यहाँ पे करने के बाद अब करेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने जो भी वर्क था यहाँ पे ऑल टू ऑल वर्क यहाँ पे कंप्लीट हम कर रखे हैं। ओके, अब यहाँ पे ओनली दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपना वॉइस ओवर करना होगा। इससे पहले चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम फोल्डर पर चलेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे पास जो भी है उसको ऐड कर लेते हैं। आपके पास जो भी रहेगा उसको आप ऐड कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पॉइंट है उसको पहले डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिम राइट ये वाले साइड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हो गया क्लियर, ठीक ना। क्लियर करने के बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे थोड़ा डाउन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इसको बैकग्राउंड म्यूजिक में ओनली हमको रखना है, है ना। अगर जैसे हो जाएगा तो फिर आप जो वॉइस ओवर करेंगे वो नहीं सुनाई देगा। इसको क्या करेंगे यहाँ से और कम कर देंगे, यहाँ पे हम लगभग रखेंगे 12। ओके, इतना रखने के बाद यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे करना क्या होगा, थोड़ा बहुत और यहाँ पर वर्क करना होगा। यहाँ से लेयर पर क्लिक करेंगे और लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख लिए पुराने कपड़े को कर दिया, इतना ही लिखना है, जिससे ऑडियंस अब क्या करेंगे सोचना स्टार्ट करेंगे जो क्या कर दिया, आखिर क्या कर दिया। तो इसके लिए क्या करेंगे वीडियो को देखेंगे, तो ये कर लेना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इमोजी ऐड करना है। तो इमोजी कौन सा ऐड करेंगे चलिए उसको हम देख लेते हैं। इमोजी आपको ए वाले ऐड कर देना है और यहाँ से क्या करेंगे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे जिससे एडिटिंग करने में थोड़ा अच्छा हो, ठीक ना। यहाँ पे करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे करेंगे और इसको यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे, रेड हो गया। अब यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड हो चुका है, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा इसको क्या करेंगे साइड में मतलब बैक में, यहाँ पे बैक कलर देख रहे हैं बैकग्राउंड, इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ से ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा इसको क्या करेंगे दोस्तों, पीला कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पीला है और इसको यहाँ पे करेंगे हो गया पीला। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा इस प्रकार से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकग्राउंड का कलर जो है यहाँ पे पीला हो चुका है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ पे देख सकते हैं ओपन होकर यहाँ से आप बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है ना। यहाँ से कोई भी फॉन्ट एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चलिए हम एक फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर चलिए हम कौन सा फॉन्ट, ये वाले फॉन्ट होगा तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे थोड़े इसको जूम करेंगे इस प्रकार से और इसको क्या करेंगे यहाँ से ऊपर में इसको हम लगाएंगे, इसको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, अच्छा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पूरा फुल वीडियो हमको करना होगा, ठीक ना। हमारा जितना बड़ा ये वीडियो है उतना बड़ा इसको हमको करना होगा खींच के, अगर नहीं करेंगे तो ये पूरा वीडियो नहीं रहेगा तो फिर ये अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपको खींच के क्या करना है, बड़ा कर लेना। चलिए इतना करने के बाद आपको मैं बताऊं आप करना क्या होगा, सो यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी बात करनी है, क्या करनी है, यहाँ पे आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अपना चैनल का नेम ऐड करना है, जो भी आपका चैनल का नाम हो, जैसे मेरा चैनल का नाम है आरजे टेक लाइफ, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं आरजे टेक लाइफ हम ऐड कर लेते हैं, आरजे टेक लाइफ यहाँ पे देखिए ऐड कर लिए और यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटरमार्क मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको फिर से यहाँ पे बड़ा कर लेंगे इसको, जिसे एडिट करने में हमको सहूलियत हो। यहाँ पे फिर से फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से वही वाले फॉन्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका कलर वही रहेगा, बस इसको साइज छोटा हम कर लेंगे। यहाँ पे चलिए इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे लगभग इतना बड़ा कर लेते हैं, ओके, क्योंकि वाटरमार्क का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे क्लिक, अब क्या करेंगे यहाँ लाने के बाद क्या करेंगे, अब दोस्तों पहले फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और इसे क्या करना है फुल वीडियो करना है, जिससे क्या होगा ये जो फुल वीडियो रहेगा तो आपको पूरा फुल वीडियो ये वाटरमार्क चलते रहेंगे, समझ गए। नहीं तो क्या होगा, ये फुल वीडियो नहीं चलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको फुल वीडियो आपको कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फुल वीडियो करने के बाद यहाँ पर करना क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा आगे आना है आपको, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आगे आना है, यहाँ आना है बीच में,
यहाँ जब आ जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं प्लस आइकन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको वाटरमार्क पकड़ के यहाँ पे क्या करना है थोड़ा ऊपर ले जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ आ गए फिर आप क्या करेंगे थोड़ा बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद फिर यहाँ आएंगे और फिर से क्या करेंगे यहाँ पे फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से इसे पकड़ के यहाँ क्या करेंगे नीचे लाएंगे। यहाँ पे देखिए अल ला लिए, अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जो हम यहाँ पे चलाएंगे ना, मतलब जो वीडियो जो यहाँ से प्ले करेंगे ये राउंड करेगा, है ना। चलिए यहाँ तक आप कर लिए, यहाँ पे देखिए सारे वर्क यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे वीडियो बहुत ही चेंज हो चुका है, ये आपका वीडियो पर्सनल यहाँ पे बन चुका है। वही यहाँ पर रहा है वॉइस ओवर करने की बात, तो चलिए यहाँ से हम वॉइस ओवर अब कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वॉइस ओवर हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो यहाँ पर देख सकते हैं वॉइस ओवर हम कर लिए, ठीक है ना। वॉइस ओवर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वॉइस मेरा थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब जो है गड़बड़ हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको पहले कट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको भी अपना वॉइस चेक कर लेना है एडिट करते वक्त, ठीक ना। वॉइस ओवर जब आप कर लेंगे तो उसको चेक करना है जो आपका वॉइस कहाँ पे सही हुआ है कहाँ पे गलत है, उसको क्या करना है रिमूव करके सही सही एडिटिंग का आपको कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इतना सारे करने के बाद आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप मैं प्ले करके आपको दिखाने वाला हूँ, घबराना नहीं है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है ये काम। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर मिक्सर पर क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको क्या इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको इस प्रकार से बैक चलेंगे और यहाँ पे EQ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बास बूस्टर यहाँ पे बैक बूस्टर पर क्लिक करके यहाँ पे बैक चलेंगे। इतना वर्क करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पर बैकग्राउंड म्यूजिक क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको और कम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आवाज़ सुनने को मिल रहा है, यहाँ पे लगभग इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे बहुत कम रखेंगे जिससे इतना पता ना चले, ओके यहाँ पर 9 ही रखेंगे। आपको भी अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से जो है सेटिंग कर लेना है जिससे जो है सो ये अच्छा से सेटिंग हो जाए, ठीक है ना। और लास्ट में भी फिर कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट में 12 था, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 7 कर लेंगे। इतना सीधा करने के बाद चलिए यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ जी किस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। दोस्तों आखिर क्या होगा जब इस चटाई को साफ कर देंगे, तो अगर आपको लग रहा है जो इसमें कुछ विशेष कुछ दिखने को मिलेगा तो आप इस वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन अभी जस्ट इस वीडियो को आप देख। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लिए इस प्रकार से हम यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर दिए हैं, ठीक ना, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दिए हैं, सारे के सारे चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, आपका वाटरमार्क भी लगा दिया हूँ, सारे पॉइंट लगा दिया हूँ। इस प्रकार से आपको एडिट करना है, जब इस प्रकार से आप एडिट कर लेंगे तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप अपने यूट्यूब चैनल पर इसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जरूर समझ गए होंगे जो कैसे हमको कॉन्टेंट उठाना है और कॉन्टेंट उठाने के बाद कैसे उसे एडिट करना है, सारे पॉइंट समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आई हो माइंड में, तो आप हमारी इस वीडियो का कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर कहीं भी आके मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जो है इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी आके आप बात कर सकते हैं, आइए टेलीग्राम पे या कहीं भी बात कीजिए, आपको मैं वहां से हेल्प करने का बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा, ओके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो फिलहाल के ओके बाय।